दोस्तों, मैं अजय। हमें उम्मीद है आप लोग जहां भी होंगे खुश होंगे, मस्त होंगे और आप लोग वीडियो जरूर देखते होंगे। आज हम भारतीय संविधान की अनुसूची के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल अनुसूचियां 8 थी, लेकिन इस समय वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। आज हम उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, भारतीय भारतीय संविधान की अनुसूचियां। दोस्तों, मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। क्या थी? मूल संविधान में आठ अनुसूचियां। मूल संविधान कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में इसमें 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियां पाई जाती है क्रमानुसार। जैसा दोस्तों जानते हैं, मूल संविधान कुल 8 अनुसूचियां थे, क्रमानुसार वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। आज हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, छठी अनुसूची, सातवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची। मूल संविधान में दोस्तों यही अनुसूचियां पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं और सातवीं, आठवीं अनुसूचियां पाई जाती है। दोस्तों, पहली अनुसूची में कहा जाता है भारत राज्यों के संघ के बारे में बताता है, भारतीय राज्यों के बारे में और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया जाता है। क्या बताया जाता है? भारतीय राज्यों के संघ के बारे में बताया, भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों प्रदेशों का वर्णन है। क्या है? पहली अनुसूची भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। दोस्तों, दूसरी अनुसूची में कहा जाता है, दूसरी अनुसूची में कहा जाता है वेतन के बारे में। क्या कहा जाता है? वेतन एवं भत्ते के बारे में। दूसरी वेतन एवं भत्ते भत्तों का वर्णन है, वर्णन किया गया है। दूसरी अनुसूची में क्या कहा गया है? दोस्तों, दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्तों के बारे में वर्णन किया गया है। तीसरी अनुसूची के बारे में कहा जाता है शपथ के बारे में। शपथ, दोस्तों, शपथ भारतीय संविधान जैसे राष्ट्रपति हुए, राज्यसभा के सदस्य हुए, लोकसभा आदि, शपथ के बारे में वर्णन किया गया है। चौथी अनुसूची में कहा गया है दोस्तों सीटों का आवंटन, राज्यसभा भारतीय जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है उसी के बारे में वर्णन किया गया है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पदचोरी को लेकर के और भारतीय राज्यों के बारे में, सीटों राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। दोस्तों, इसमें दिल्ली पदचोरी भी आ जाता है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में कहा जाता है दोस्तों अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बारे में बताया जाता है, भारतीय राज्य भारत अनुसूचित जाति एवं जनजाति का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है। दोस्तों, ये भारतीय जाति एवं जाति पूरे भारत के अंदर जाति और जनजाति के पांचवी अनुसूची में वर्णन किया गया है। अब दोस्तों हम आते हैं छठवीं अनुसूची में। छठवीं अनुसूची में केवल जनजाति के बारे में चर्चा किया गया है
और विशेष चार राज्यों में असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के बारे में वर्णन किया गया। छठवीं अनुसूची में क्या किया गया है दोस्तों? जनजाति, जनजाति, जनजाति का वर्णन है, लेकिन कुछ राज्यों में विशेष जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। दोस्तों छठवीं अनुसूची में आपको दिमाग में आता है जनजात शब्द यहां लिखा गया है, जनजात शब्द यहां भी लिखा गया है। दोस्तों ये अनुसूचित जात पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जात एवं जनजात पूरे भारत की चर्चा करता है, लेकिन छठवीं अनुसूची जनजात कुछ राज्यों के विशेष के बारे में चर्चा करता है जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में दोस्तों वर्णन करता है। सातवीं अनुसूची में देख लीजिए दोस्तों, सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची दोस्तों और समवर्ती सूची बारे में, समवर्ती सूची दोस्तों सातवीं अनुसूची में, सातवीं मतलब अनुसूचिया में संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची तीनों सूचियों का वर्णन मिलता है। संघ सूची में दोस्तों पहले मूल संविधान में 57 विषय था, क्या था? 57 विषय था, लेकिन इस समय वर्तमान में कितना है? 100 विषय है। राज सूची में दोस्तों पहले इसमें 66 था, लेकिन वर्तमान में क्या है? 61 है। और समवर्ती सूची में दोस्तों पहले 57 था, पहले 47 था दोस्तों, सॉरी पहले 47 था, इसमें 52 सूचियों का वर्णन मिलता है। ठीक है, अब आपके बारे में बताते हैं आठवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसमें दिखाई दे रहा, एक बार देख लीजिए पूरा, तो आठवीं देखिए। पहली अनुसूची भारतीय राज्यों के शासित प्रदेशों के बारे में चर्चा करता है। दूसरी अनुसूची वेतन एवं भत्तों के बारे में वर्णन करता है। तीसरी अनुसूची शपथ, राष्ट्रपति आदि भारतीय संविधान जितने शपथ है सबके वर्णन इसी में तीसरी अनुसूची में करता है। चौथी अनुसूची में दोस्तों राज्यसभा की सीटों का आवंटन के बारे में चर्चा होता है। पांचवी अनुसूची में जात एवं जनजात के बारे में वर्णन करता है, पूरे भारत के अंदर जात एवं जनजात जितनी पाई जाती है उनके बारे में वर्णन किया जाता है। दोस्तों छठवीं अनुसूची में जनजात का वर्णन विशेष चार राज्यों के बारे में किया जाता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में वर्णन किया जाता है। सातवीं अनुसूची संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची विषय में है, तीनों सूचियां पाई जाती है। दोस्तों पहले संघ सूची में 57 विषय है, मूल संविधान में 57 विषय था लेकिन वर्तमान में 100 है। राज सूची में दोस्तों पहले 66 विषय थे, वर्तमान में घटकर 61 हो गया है। और समवर्ती सूची में दोस्तों 47 विषय है, इस समय प्रेजेंट में 52 विषय है, कितना है? 52 विषय है। दोस्तों आपको ये दिमाग में आता है संघ सूची में केंद्र काम करता है, नियम कानून बनाता है, राज सूची में राज्य सरकारें काम करती हैं, नियम कानून बनाती हैं, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के इसमें संविधान मतलब कोई काम अगर कानून बनाना होता है तो दोनों मिलकर कार्य करते हैं। लेकिन दोस्तों आपके दिमाग में आता होगा अगर संघ सूची राज सूची में दोनों में असहमति रहे तो दोस्तों केंद्र के पास एक विशेष शक्तियां हैं, स्थिति परिस्थिति के साथ कानून पारित संघ सूची विषय से पारित कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आपके आठवीं अनुसूची के बारे में चर्चा करते हैं। कौन सी अनुसूची? आठवीं, आठवीं अनुसूची दोस्तों, आठवीं अनुसूची में पहले मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, कितना थी? मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन दोस्तों इसमें वर्तमान में कुल 22 भाषाएं पाई जाती हैं, 22 भाषाएं पाए जाते हैं, मतलब ध्यान दीजिए आप लोग आठवीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है। किसका वर्णन है? सिर्फ भाषा के बारे में वर्णन है, लेकिन भाषा में जब मूल संविधान था उसमें 14 भाषाएं पाई जाती थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। दोस्तों ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। अब हम आप लोगों को नवीं अनुसूची के बारे में बताएंगे। दोस्तों नवीं अनुसूची कहता है आपका, नवीं अनुसूची कहता है भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण। दोस्तों भूमि अधिग्रहण के बारे में पहले संविधान, जब पहला संविधान संशोधन हो रहा था तो उसी समय भूमि अधिग्रहण आया था।
तो नवीं अनुसूची में क्या पाया जाता है दोस्तों, भूम अधिग्रहण। अब आपको हम बताते हैं दसवीं अनुसूची में, दसवीं अनुसूची में दोस्तों दल बदल नियम है, क्या है दल बदल का वर्णन मिलता है दोस्तों। जब पहले की सरकारें थी सत्ता पक्ष विपक्ष, कभी सत्ता पक्ष कुछ सांसद विपक्ष के पास भाग जाते थे, कुछ विपक्ष के सांसद विधायक सत्ता पक्ष के पास आ जाते थे, इसीलिए भारत के अंदर दल बदल नियम कानून लाया गया कि अगर आप जिस पार्टी से चुनाव जीते हैं अगर उसको आपको छोड़ जाना है तो सीट स्वतः खाली कर दिया जाएगी। यही नवीं अनुसूची दसवीं अनुसूची में ही कहा जाता है, क्या है ये दसवीं अनुसूची, ठीक है। अब हम आपको दोस्तों ग्यारहवीं अनुसूची के बारे में बताते हैं। दोस्तों ग्यारहवीं अनुसूची जो है ग्राम पंचायतों के बारे में वर्णन करती है, कितना ग्राम पंचायत पंचायतों का वर्णन करती है दोस्तों। इसमें कुल 19 विषय पाए जाते हैं, 1993 और 92 एवं 1993 में संविधान संशोधन है ये दोस्तों। इसमें कुल 19 विषयों पर विषय चर्चा की जाती है, ठीक है। अच्छा की जाती है। अब दोस्तों आपको हम 12वीं अनुसूची के बारे में बताते हैं, 12वीं अनुसूची दोस्तों ये नगर पंचायत के बारे में वर्णन किया गया है दोस्तों। इसमें 1992 और 1993 में इसमें 18 विषय पर चर्चा किया गया है। एक बार और देख लीजिए दोस्तों, 8वीं अनुसूची में 22 भाग भाषाएं हैं जो कि मूल संविधान में 14 था, इसमें 22 है। 9वीं अनुसूची में भूमि अधिग्रहण के बारे में चर्चा किया गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल के बारे में बताया गया है, जैसा कि हम लोग चर्चा करते हैं। 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायतों का वर्णन किया गया है और 12वीं अनुसूची नगर पंचायत का वर्णन किया गया है दोस्तों। जैसा कि हमें उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।